हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल गीकी रे एंड वेलकम टू अनदर मूवी रिकमेंडेशन वीडियो। ये वीडियो मेरे लास्ट मोस्ट वायलेंट एक्शन मूवीज वीडियो का पार्ट टू होने वाला है और इस वीडियो में भी मैं कुछ बहुत ही वायलेंट और ब्रूटल एक्शन मूवीज रिकमेंड करूंगा। और अगर आप इस सीरीज का थर्ड पार्ट भी देखना चाहते हो तो मुझे कॉमेंट में बोलना। एंड फॉर मोर मूवी एंड सीरीज रिकमेंडेशन वीडियोस प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल। नाउ लेट स्टार्ट विद द वीडियो। लिस्ट की फर्स्ट मूवी है हेडशॉट। ये 2016 में बनी एक इंडोनेशियन एक्शन थ्रिलर मूवी है और इस मूवी में हमारे फेवरेट इको लीड रोल में है। मूवी की कहानी है एक आदमी की जिसकी बॉडी एक दिन एक फिशरमैन को मिलता है। जब उसे हॉस्पिटल में होश आता है तो उसकी मेमोरी जा चुकी होती है। तब जो डॉक्टर उसकी जान बचाता है उसका नाम रखता है इस्माइल। सब कुछ ठीक चल रहा होता है लेकिन उसके बाद इस्माइल का वायलेंट पास्ट एक बार फिर से वापस आ जाता है और इस्माइल की न्यू लाइफ को डिस्ट्रॉय कर देता है। हेडशॉट एक काफी ग्रिपिंग थ्रिलर है जिसकी स्टोरी तो आपको पता ही चल गया होगा, बहुत ही क्लिशेड है, आपने दूसरे बहुत सारे मूवीज में देखा होगा, पर दिस मूवी एक्सेल्स इन इट्स एक्शन। इस मूवी में इको ओएस के दूसरे मूवीज की तरह ही बहुत ही ब्रूटल और वायलेंट एक्शन सीक्वेंसेस है, तो एक्शन फैंस के लिए ये मूवी भी एक मस्ट वॉच है और आप हेडशॉट को स्ट्रीम कर सकते हो नेटफ्लिक्स पर। और लिस्ट की नेक्स्ट मूवी के लिए एकदम ही डिफरेंट एक मूवी की ओर चलते हैं, ब्लेड ऑफ द इमॉर्टल। ब्लेड ऑफ द इमॉर्टल एक सामुराई एक्शन मूवी है और मूवी की स्टोरी है एक सामुराई मांजी की, जिसको एक लेजेंडरी बैटल के बाद इमॉर्टलिटी का श्राप मिलता है। अब मांजी अपनी सिस्टर के मौत का बदला लेने के लिए दुनिया के इविल से लड़ता है। एक यंग लड़की रिन एक ग्रुप ऑफ मास्टर स्वॉर्ड्समैन से अपने पेरेंट्स के मौत का बदला लेने के लिए मांजी से मदद मांगती है। अब मांजी रिन की हेल्प कर पाता है कि नहीं, ये जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। ब्लेड ऑफ द इमॉर्टल एक बहुत ही ब्यूटीफुली मेड मूवी है जिसमें एंडलेस कार्नेज और ब्रूटल वायलेंस से भरा हुआ है। मूवी एक पॉपुलर मांगा से अडॉप्टेड है और इस मूवी को डायरेक्ट किया है जापानीज हॉरर माइस्ट्रो टाकेशी माइक ने। मूवी के कुछ सीन्स तो काफी क्वेश्चनेबल और ओवर द टॉप है और मूवी की लॉन्ग रन टाइम मूवी के लिए एक प्रॉब्लम है, पर अगर आप एक वायलेंट सामुराई मूवी देखना चाहते हो विद लॉट्स ऑफ गोर एंड ब्लडी स्वॉर्ड फाइट्स, गिव दिस वन अ चांस। ब्लेड ऑफ द इमॉर्टल इज करंटली स्ट्रीमिंग ऑन नेटफ्लिक्स। और लिस्ट की नेक्स्ट मूवी है एटॉमिक ब्लॉन्ड। ये 2017 में बनी एक स्पाई एक्शन थ्रिलर मूवी है। ये मूवी 1989 के बर्लिन में सेट है और बर्लिन वॉल के गिरने से कुछ दिन पहले की इवेंट्स को दिखाती है। मूवी में लॉरेन प्लेड बाय चार्लिज थेरॉन, जो कि एक ब्रिटिश MI6 एजेंट है, और इस डिस्टेबलाइज्ड बर्लिन सिटी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लिस्ट ढूंढने आती है जिसमें बर्लिन के सारे एक्टिव डबल एजेंट्स के नाम है। ये मूवी काफी स्टाइलाइज्ड स्पाई एक्शन मूवी है और 2012 के एक ग्राफिक नोबेल पर बेस्ड है। मूवी में चार्लिज थेरॉन के एक्शन पैक्ड परफॉर्मेंस बहुत ही ब्रिलियंट है और फिल्म के सिंगल टेक लॉन्ग एक्शन सीक्वेंस और फिल्म का 80s का लुक, इसके सिनेमाटोग्राफी और बैकग्राउंड में 80s का म्यूजिक बहुत ही अमेजिंग है और आप एटॉमिक ब्लॉन्ड को देख सकते हो लायंसगेट प्ले पर। और लिस्ट की नेक्स्ट मूवी भी थोड़ी डिफरेंट है, आउटलॉ किंग। ये मूवी 14th सेंचुरी के स्कॉटिश किंग रॉबर्ट द ब्रूस के रेबेलियन के ऊपर बेस्ड है और मूवी में दिखाया गया है कैसे रॉबर्ट द ब्रूस प्लेड बाय क्रिस पाइन ने ऑक्यूपाइंग इंग्लिश एम्पायर के अगेंस्ट कैसे अपनी स्कॉटिश आउटलॉ फाइटर्स की आर्मी खड़ी की और स्कॉटिश वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस शुरू किया। आउटलॉ किंग एक हिस्टोरिकल एक्शन मूवी है और ये मूवी रिलीज के टाइम काफी अंडररेटेड रही, लेकिन ये मूवी और क्रिस पाइन की एक्टिंग दोनों ही एस्टोनिशिंग है। मूवी की सिनेमाटोग्राफी बहुत ही अच्छी है और फाइनल बैटल सीक्वेंस को तो बहुत ही अच्छी तरीके से बनाया गया है। और ये मूवी एक हिस्टोरिकल मूवी है लेकिन इसके फाइट सीन्स बहुत ही गोरी और वायलेंट है और गेम ऑफ थ्रोन्स और वाइकिंग्स का वाइब देती है। आप इस मूवी को स्ट्रीम कर सकते हो नेटफ्लिक्स पर। और लिस्ट की नेक्स्ट मूवी है रिसेंटली रिलीज्ड मूवी सिसु। सिसु एक एक्शन थ्रिलर मूवी है जो वर्ल्ड वॉर के आखिर के दिनों में सेट है। मूवी में फिनलैंड के एक एक्स कमांडो आतामी, जो अभी वॉर से रिटायर्ड हो चुका है और सोने की खोज कर रहा है, उसकी स्टोरी दिखाई गई है। आतामी अपने खोजे हुए गोल्ड को सिक्योर करने के लिए बैंक की ओर जाता है और तभी रास्ते में एक नाथसी डेथ स्क्वाड उसके सामने आ जाते हैं और फिर ये नाथसी आतामी के गोल्ड चुरा लेते हैं, पर उनको जल्द ही पता चलता है कि आतामी कोई ऑर्डिनरी इंसान नहीं है बल्कि एक लेजेंड है और एक वन मैन डेथ स्क्वाड है। सिसु एक बहुत ही गोरी वायलेंट पर बहुत ही एंगेजिंग और एंटरटेनिंग एक्शन मूवी है। मूवी के कुछ सीन्स तो बहुत ही ओवर द टॉप है, तो अगर आप गोरी वायलेंस ओवर द टॉप एक्शन के फैन हो तो ये मूवी आपके लिए परफेक्ट है। सिसु अभी कहीं स्ट्रीम तो नहीं कर रहा पर रेंट पर अवेलेबल है। और लिस्ट की लास्ट मूवी है एक और इंडोनेशियन मूवी रेड 2। ये मूवी रेड रिडेम्पशन का डायरेक्ट सीक्वल है और इस मूवी में लास्ट मूवी के हीरो रामा प्लेड बाय इको ओएस मेन लीड रोल में है। रामा लास्ट फाइट से जब जिंदा वापस आता है वो सोचता है कि अब अपनी नॉर्मल लाइफ रिज्यूम कर पाएगा, पर ही वॉज रॉन्ग। और अब जकार्ता के अंडरवर्ल्ड को खत्म करने के लिए और अपने पुलिस फोर्स के करप्ट ऑफिशियल्स को एक्सपोज करने के लिए रामा को अंडरकवर जाना होगा और इस काम के लिए वो अपनी न्यू आइडेंटिटी लेता है एज योडा। अब योडा कैसे इस क्रिमिनल अंडरवर्ल्ड को अंदर से ही खत्म करता है, इसकी स्टोरी है रेड 2। फ्रेंड्स, ये मूवी सच में इन एवरी पॉसिबल वे रेड का एक वर्थी सीक्वल है। जब आपने सोच लिया था कि आपने सारे एक्शन रेड रिडेम्पशन में ही देख लिया है,
गैरेथ एवांस एक बार फिर से आपको शॉक करने आ जाते हैं विद रेड 2। इस मूवी में पहले मूवी से भी ज्यादा एक्शन, वायलेंस और गोर है और बहुत ही यूनिक फाइट सिक्वेंसेस है। मूवी की स्टोरी भी थोड़ी कॉम्प्लेक्स है फर्स्ट मूवी के मुकाबले, पर बहुत ही एंगेजिंग है और आपको एज ऑफ द सीट रखती है। और फ्रेंड्स, ये मूवी लायंसगेट प्ले पर स्ट्रीम कर रही है एंड दैट्स द लिस्ट फ्रेंड्स। पर मैं बहुत सारे एक्शन मूवीज को लिस्ट में नहीं रख पाया, तो अगर आप इसका एक थर्ड पार्ट भी देखना चाहते हो तो मुझे कॉमेंट में बोलना। एंड फॉर मोर सच वीडियोस प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।